हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं टेक एंड ट्रैवल वी में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल है और इस वीडियो को देखकर आप भी अपनी बाइक की सर्विसिंग के दौरान काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को नॉर्मल स्पीड पर देखेंगे तो आपको यह वीडियो काफ़ी समझ में आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लेंथी है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं थर्ड सर्विस के दौरान हमें क्या क्या चीज़ें बाइक के साथ करानी चाहिए। तो यदि कोई भी चीज़ अगर छूट रही है तो आपकी बाइक में प्रॉब्लम आ सकती है। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिर्फ एक नीचे का रेड कलर का बटन ही तो दबाना है और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैटरी के वोल्टेज है, भाई की जो चेक होंगी बकाया, और जो हमारा एक्स्ट्रा काम सारा काम होगा। अच्छा, तो इसमें गाड़ी तो क्योंकि ज़्यादा चली हुई नहीं है तो क्या इंजन ऑयल चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं? नहीं, इंजन ऑयल चेंज नहीं होगा, चेक होगा केवल। अच्छा, अगर थोड़ा बहुत कम होता है वो टॉपअप हो जाएगा। अच्छा अच्छा, चलिए राकेश भाई, बीच बीच में बताते रहेंगे आपको कि क्या क्या इसमें काम करना है, और यह वीडियो कल चैनल पर अपलोड हो जाएगा। और इस बाइक की सेकंड सर्विस भी राकेश भाई ने करी थी और सर्विस काफ़ी अच्छी थी, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि काफ़ी एक्सपर्ट टीवीएस निर्मल टीवीएस पीलीभीत के टेक्नीशियन है, तो इन्होंने काफ़ी बढ़िया सर्विस करी थी सेकंड वाली। और अब देखते हैं थर्ड सर्विस। कितनी गंदगी निकल रही है गाड़ी में, काफी। अभी देखिए, आप सभी देख सकते होंगे कि थर्ड सर्विस में, जैसे कि सेकंड सर्विस में पूरी गाड़ी पड़ी थी, तो वैसे ही सेकंड सर्विस में भी, थर्ड सर्विस में भी पूरी गाड़ी ओपन हो रही है यहाँ पर। देखिए इस तरह से पूरी गाड़ी ओपन, देखिए यहाँ पे, देखिए इस तरह से बैटरी के वोल्टेज चेक कर रहे हैं। इस तरह से सेकंड सर्विस में बैटरी के वोल्टेज चेक करें तो उसका समझ, क्योंकि इस गाड़ी में बैटरी का काफ़ी महत्व है, इसलिए बैटरी की वोल्टेज चेक करना बहुत ही अहम है, क्योंकि बैटरी से ही गाड़ी स्टार्ट होती है। देखिए वोल्टेज यहाँ पर इतना, देखिए बैटरी की वोल्टेज, ये दोबारा से रीसेट कर दो। थैंक्स भैया। देखिए बैटरी के वोल्टेज इस तरह से चेक किए जाते हैं, यदि आपकी गाड़ी के बैटरी के वोल्टेज यदि कम है, देखिए 13.06 बैटरी के वोल्टेज है, तो यहाँ पर यानी कि बैटरी बिल्कुल फुल चार्ज है, हेल्दी है बैटरी। बैटरी के वोल्टेज 12 से कम नहीं, हाँ बैटरी के वोल्टेज 12 से कम नहीं होने चाहिए। यदि बैटरी के वोल्टेज 12 से कम है तो आपकी बाइक में स्टार्ट होने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए आज आपको पता लग जाएगा कि थर्ड सर्विस में बाइक में क्या क्या काम होते हैं, और थर्ड सर्विस भी करानी जरूरी है, क्योंकि मेरी बाइक ज़्यादा नहीं चली है, इसलिए मैं इंजन ऑयल तो फिलहाल चेंज नहीं कराऊंगा, ना इंजन ऑयल चेंज कराऊंगा ना ऑयल फिल्टर चेंज होगा। देखिए इंजन ऑयल चेक करने का तरीका आप देख लीजिए कि आपको पता लग जाएगा कि इंजन ऑयल आपको चेंज करना है या नहीं करना है। सेकेंड सर्विस में न्यूलैंड भी डलाया था, न्यूलैंड कैसे खर्च करके बता,
आपकी गाड़ी में आज चेक कर लीजिए, पूरा गेट को टाइट करना पड़ता है। इस तरह से पहले इसको क्लीन किया और उसके बाद अब इसमें देख करके बंद करके हम इसको ओपन करेंगे तो ऑयल का लेवल पता लग जाएगा। लेकिन इस तरह से आप भी अपने घर में ऑयल का लेवल पता कर सकते हैं। ऑयल का लेवल ठीक है रूप में आएगा और लुब्रिकेशन भी ठीक है, क्योंकि गाड़ी सिर्फ 1100 की है, इसलिए ऑयल चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नफ देखिए कितनी अच्छी जानकारी राकेश भाई के माध्यम से आपको मिल रही है। तो इस तरह से आप भी अपने घर पर ही ऑयल का लेवल चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्पार्क प्लग की क्लीनिंग होगी। देखिए स्पार्क प्लग आपको ऐसे ओपन करना है, आप स्पार्क प्लग भी ओपन कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, और ये काम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यदि स्पार्क प्लग की क्लीनिंग तो गाड़ी में प्रॉपर कंबशन नहीं होगा। स्टार्टिंग में भी तक आ गई है, देखिए स्टार्ट होने में भी प्रॉब्लम होगी बाइक में। इस तरह से देखिए रेक माल से जो स्पार्क प्लग है उसकी क्लीनिंग होगी। और इसी तरह से आप भी अपने घर पर ही बाइक का स्पार्क प्लग चेक कर सकते हैं और क्लीन भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से देखिए जो ब्लैक ब्लैक है वो सब हटाया जा रहा है। देखिए कितनी सावधानी से, और देखिए इस तरह से सब क्लीनिंग करने के बाद उसके बाद डस्ट पार्टिकल वगैरह भी हटाए जाएंगे। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है बाइक के माइलेज में। यदि आपकी बाइक कम माइलेज, इस तरह से अच्छे से क्लीन हो गया। और यहाँ पर देखिए स्पार्क प्लग की क्लीनिंग हो गई। अब इस तरह से आपको स्पार्क प्लग फिट भी कर लेना। देखिए यहाँ पे अभी ये सारे इनके जो पैरामीटर हैं वो भी चेक करने चाहिए कि कितना गैप होता है स्पार्क प्लग में। तो वो सारी चीज़ें अच्छे टेक्नीशियन होते हैं, वो सारी चीज़ें ये सब चेक करके सब फिट करके ही बाइक देते हैं। देखिए इस तरह से इसकी फिटिंग भी होगी। तो इंजन ऑयल में मिक्स हो सकता है, बाल में जाके फट जाएगा तो गाड़ी का कंप्रेसर बंद हो जाएगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। देखिए कितने धूल के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनको हटाना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाइक में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरह से इसको अच्छे से कस के इसको बंद कर देना है। इस तरह से मानव अयान है, अयान भाई हैं, और यहाँ पर निर्मल TVS में एज अ टेक्नीशियन बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके जो डिस्क वगैरह भी देख लेना कि मतलब लग रहा है नहीं लग रहा है, ये सब एक बार घुमा दूँ। तो एन भाई भी यहाँ पर देखिए डिस्क की जो रियर व्हील है उसकी सेटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चैन की सेटिंग करी जाती है, उस पर ध्यान दिया जाता है, लीवर की जे है और सेंटर देखा जाता है। ये फ्यूजिंग थोड़ी बहुत फैल गई है, इसमें अभी टाइट है, ढीली हुई है, अभी इसको ढीली करेंगे, अभी टाइट है। तो चेन का जो स्ट्रेंथ है मतलब मीडियम रहना चाहिए, ना ज़्यादा लूज ना ज़्यादा टाइट।
और यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, तो आयन भाई इसको सेट करके आपको बताएंगे। इस तरह से सब सेट किया जाता है, इस तरह से सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। और चेन को भी ठीक से चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, इसका डायरेक्ट असर आपके माइलेज पर भी पड़ता है, और अच्छे टेक्नीशियन ही यह काम कर पाते हैं। देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है यहाँ पर कि खाँचे बराबर होने चाहिए, इस तरह से बिल्कुल बराबर होने चाहिए, तभी जो बाइक का रियर व्हील का जो अलाइनमेंट है वह ठीक रहेगा। यदि आगे पीछे रहेंगे तो रियर व्हील का जो अलाइनमेंट है वो ठीक नहीं रहेगा। काफ़ी अच्छा यहाँ पर वर्क किया है, और यहाँ यदि आप पीलीभीत के आसपास रहते हैं तो इनसे आप एक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे यहाँ के टेक्नीशियन ही हैं और आपकी बाइक की सर्विस अच्छे से करेंगे। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर काम कर रहे हैं बढ़िया से। देखिए वीडियो भले ही थोड़ा लंबा बन रहा है लेकिन इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है राकेश भाई के माध्यम से, और यहाँ पर जितने सारे काम होंगे वो सारे काम आपको पता चल जाएंगे। लेकिन थर्ड सर्विस में क्या क्या काम किए जाते हैं, और थर्ड सर्विस में भी देखिए काफ़ी काम किए जाते हैं, यहाँ पर सभी चीज़ों की चेकिंग की जाती है। यहाँ पर देखिए इंजन के पास यहाँ पर इसकी क्लीनिंग की जाती है, कितनी गंदगी देखिए निकल रही है थर्ड सर्विस में, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। पिछली बार आपने सेकंड सर्विस में देखा होगा कि राकेश भाई ने बताया था कि यहाँ पर जितने माजा होता है उससे भी जो उसका जो गैस किट होता है अंदर का वो कट जाता है, और जिससे कि इंजन सीज होने का भी चांस रहता है। केरोसिन ऑयल से ही धोना, जैसे डीजल वगैरह से, पेट्रोल वगैरह से साफ नहीं करना है, इसमें ओरिंग होते हैं रबड़ के वो पेट्रोल से खराब हो जाती है, फिर चैन सेट ही चेंज होता है इसका, और कोई जोर नहीं है इसमें। चैन सेट जो है इसमें काफ़ी महंगी का ऑफ़ है इसकी, 2500 रुपये समथिंग है, उस खर्चे से हमको बचने के लिए आप मैंने को खुद ही बोल सकते हैं इसको पेट्रोल से साफ ना करें, केरोसिन या डीजल से साफ करें, केरोसिन तो मुश्किल होता है, डीजल होता है। देखिए इसको डीजल से साफ करें, राकेश भाई ने अभी आपको जैसा कि बताया कि यहाँ पर आपको डीजल से साफ करना है या पेरोसिन से साफ करना है, पेरोसिन से साफ करना है क्योंकि इसके अंदर की गैस किट होती है, अगर वो कट जाएगी तो पूरी की पूरी ये चेंज होनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी जो कि काफ़ी कॉस्टली आती है, तो उस खर्चे से बचने के लिए और चेंज सेट को आपको पेरोसिन से ही साफ करना है, पेरोसिन या डीजल से साफ करना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली, तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर आकर लाइक के लिए कुछ कमेंट वगैरह हो तो भी बताएं। ये सारे टैंक के बोल रहे हैं जिस तरह से सेकंड सर्विस से मतलब कहा था उसी तरह से टायर करने हैं,
ये लूज तो होने होने थोड़े बहुत क्योंकि गाड़ी सारे स्टैंड पे लगा के जाते हैं कोई बैठ जाता है या सब ये सारे स्टैंड पे बोल देते तो ये बोल्ट जरूरी है। देखिए साइड स्टैंड पे ये जो नट है ये लूज हो जाते हैं समय के साथ, तो कोई बैठ जाता है ठीक है तो उसकी वजह से भी ये लूज हो जाते हैं, तो इसको कसना बहुत ही जरूरी है। हर सर्विस मिनट को आपको कसना है जैसा कि अभी आपको बताया ठीक है, तो इसको अधिकतर लोग भूल ही जाते हैं कसने के लिए, लेकिन अधिकतर लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो अच्छे टेक्नीशियन होते हैं अच्छे सर्विस सेंटर में ऑथोराइज सर्विस सेंटर में जाओगे तो वहाँ पर आपको ये सारे काम देखने को मिलेंगे। कहीं आप लोकल सर्विस सेंटर में चले जाओगे तो वहाँ पर कोई ये सारे काम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस तरह से यहाँ पर डिस्क की क्लीनिंग हो रही है, अभी चेन की भी क्लीनिंग होगी, लुब्रिकेशन सब कुछ होगा, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अच्छे से मिलने वाली है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट और सेकेंड सर्विस में दिखाया था, फर्स्ट सर्विस मैंने बरेली से करवाई थी और सेकंड सर्विस और थर्ड सर्विस मैंने पीलीभीत से कराई। इस तरह से यहाँ पर ये क्लीनिंग होगी, चेन को भी इस तरह से क्लीन करना है, देखिए इस तरह से क्लीनिंग की जाती है। और क्लीनिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका हाथ इसके अंदर ना चला जाए क्योंकि काफी प्रॉब्लम हो सकती है। क्लीनिंग हो जाने के बाद क्लीनिंग हो गई ना, देखिए इस तरह से खड़े हैं राकेश भाई, देखिए इस तरह से इसका लुब्रिकेशन कर रहे हैं इस तरह से। ये बोल्ट अगर एक्सीडेंट भी हो सकता है, काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, जीवन तो अनमोल है उसका तो। तो देखिए इन सब चीजों का भी बोल्ट वगैरह चेक करना जरूरी है यहाँ पर चेन की तरफ, क्योंकि कभी कभार चलते चलते निकल भी जाते हैं, जैसे कि आपने YouTube पे कई वीडियो हैं उनमें देखा भी होगा कि यहाँ पर चलते चलते ही सड़क पे निकल भी जाते हैं जिससे काफी नुकसान हो सकता है। तो एक बार देखिए इस तरह से जितने भी बोल्ट लगे हुए हैं वो सारे आप को चेक करवाने हैं, देखिए इस तरह से ऑथोराइज सर्विस सेंटर पर जाएंगे तो वो देख लेंगे। और यही काम अगर आप लोकल मैकेनिक से कराएंगे, लोकल सर्विस सेंटर से कराएंगे तो वहाँ पर इस तरह का कोई देख रेख नहीं होगी, यहाँ पर गाड़ी की अच्छी से सर्विस की जाती है, तो अपनी गाड़ी की सर्विस ऑथोराइज सर्विस सेंटर से ही कराएं। देखिए इस तरह से इनके जो सिस्टम में जैसे लिखा होता है वही सब ये अभी फॉलो किए जाते हैं जितने भी। यहाँ पर इसके कवर को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है और यहाँ से देखिए फिट कर देंगे। और इसमें सेंसर वगैरह ये सारे सेंसर होते हैं क्या? सेंसर तो सारे अंदर हैं, वो बिल्कुल कोई सेंसर नहीं है, ये हमारी मोटर गाड़ी है, तीन सेंसर इस पे लगे हुए हैं तीन चार, और बकाया ये ETS सेंसर, ये सेंसर आपके हैं, एक ब्रेक एंगल सेंसर होता है इसके ऊपर है, सेंसर सब अंदर सेंसर सारे अंडरग्राउंड हो गए। और अगर इसलिए इसको अंडरग्राउंड करते हैं क्योंकि जिससे धूल मिट्टी ना जमे और सेंसर अच्छे से बात कर दे रहे, यही कारण है। काफी ओपन साइड में होंगे तो बाहर खड़ी गाड़ी में छुआ छेड़ी भी पता करते हैं लोग, तार में पता काट देते हैं, ये सारे सेंसर कॉस्टली भी हैं ज्यादा, ये सारे सेंसर अंडरग्राउंड होते हैं, दो ही सेंसर होते हैं ऊपर जो दिखाई पड़ते हैं, एक तो ये और
महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली सेंसर के बारे में। इसमें सिर्फ दो ही सेंसर बाहर होते हैं और बाकी जितने भी सारे सेंसर होते हैं वो सब अंदर की तरफ पैक रहते हैं, जिससे कि गाड़ी में धूल मिट्टी ना जमे। अच्छा, इसमें सोआ के सस्पेंशन है, लेकिन इसके जो ब्रांड है ना, ब्रांड का नाम वो नहीं दिख पा रहा है, कहाँ लिखा हुआ है ब्रांड का नाम? अंदर साइड में होगा यहाँ वो क्या हो। इस तरह से अब एयर फिल्टर भी क्लीन होगा ना इसका? एयर फिल्टर नहीं होगा? 6000 पे होता है। देखिए 6000 पे एयर फिल्टर क्लीन होता है। गाड़ी कम चलती है तो फोर्ड सर्विस पे खोल के साफ कर देते हैं। अच्छा, और जब आएंगे तो नेक्स्ट सर्विस में इसका एयर फिल्टर क्लीन होगा। यदि गाड़ी कम चलती है तो फोर्थ सर्विस में क्लीन हो जाएगा। देखिए इस तरह से सारे बोल्ट वगैरह देखिए चेक करे जा रहे हैं। सब देखिए कितने ढीले बोल्ट मिले हैं, थोड़ी है उबड़ खाबड़ रास्तों पर चल रही है गाड़ी। इस तरह से देखिए यहाँ पर जो फुट पैक्स हैं सबका लुब्रिकेशन वगैरह करना भी जरूरी है, नहीं तो अच्छे से ये वर्क नहीं करेंगे। ये मैकेनिकल पार्ट होते हैं यहाँ पर। इस तरह से गाड़ी के जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है देखिए इस तरह से चेक किए जाते हैं, सब ऑन है नहीं है, लेफ्ट राइट सारे इस तरह से चेक किए जाते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हैं यहाँ पर रेन मोड। और अभी इसका ईसीयू भी अपडेट होगा ना, देखिए अभी इसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट होगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए सेकेंड सर्विस में हुआ था और सॉफ्टवेयर अपडेट करना जरूरी होता है, हो सकता है कि TVS की तरफ से TVS सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करती रहती है समय के साथ, लाना नहीं पड़ेगा। देखिए सेकंड सर्विस में जो इसमें वर्क हुआ था, अब मैं थर्ड सर्विस के टाइम पर ही गाड़ी आई है सिर्फ सर्विस सेंटर में। यदि आप लोकल गैराज से करवाएंगे तो आपको समय समय पर हर हफ्ते में एक दो बार ले जाना पड़ेगा गाड़ी को सर्विसिंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक एक चीज़ अपडेट की जाती है, इसके हार्डवेयर से रिलेटेड, इसके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो उसमें प्रॉब्लम आती है वो सब यहाँ पर ये चेक करते हैं। और बाकी सॉफ्टवेयर का क्या है कि ये आप बताएंगे राकेश भाई। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये सब लगा लिया है, सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने से पहले सबसे पहले हाँ हमारे टैबलेट में एक वाईफाई और सेकंड चीज ब्लूटूथ ऑन हुई है, इसके बाद एड स्क्रीन आती है। देखिए ब्लूटूथ सेटिंग इनेबल करने के बाद इसको आप सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे। अच्छा, ब्लूटूथ से इसकी पेयरिंग यहाँ पर जो इसका जो OBD स्कैनर लगाया हुआ है वहाँ से इसकी ब्लूटूथ की कनेक्शन होगा और उसके बाद इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। इसमें सही गाड़ी सिलेक्ट करना भी जरूरी है। इसमें क्या जैसे TVS Xpert 4 7 आती थी पहले, अब हमारे पास राइट मोड वाली गाड़ी है, भाई के पास राइट मोड वाली गाड़ी है, तो राइट मोड जैसे RTI 160 4 आ रहे हैं और ऐसे यही एक गाड़ी ऊपर आती नाम है TVS 4 समझौता 4 मिनट का, लेकिन हमें राइट मोड वाले भी करना जैसे RM को मिलोगे राइट मोड होगी। हाँ, तो यही गलती कर जाते हैं कई जो टेक्नीशियन होते हैं जिनको उतनी नॉलेज नहीं होती है वो ये गलती कर जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट सर्विस में वहाँ के जो बरेली के टेक्नीशियन थे उन्होंने यही गलती कर दी थी एक बार, तो उन्होंने सिंपल वाली सिलेक्ट कर ली थी तो इसलिए राइडिंग मोड काम करना उसमें बंद कर हो गया था। फिर जिसे जानकारी अगर टाइम से मिल जाती है वो तो दोबारा से करके ठीक कर देता है, अगर जानकारी नहीं मिल पाती है तो वो तो इधर घूमता रहता है, कहीं मोटा खराब है, कहीं खराब है, कहीं ये खराब है। यही कह रहे थे वहाँ पर भी कि इसमें पानी चला गया, इसमें ये हो गया वो हो गया, लेकिन जिनको सही नॉलेज है वो तुरंत एक मिनट में प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते। देखिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा है, इस तरह से करके 100.5 होते चले जाएंगे। ये राकेश भाई है यहाँ पीलीभीत के
टेक्नीशियन एक्सपर्ट टेक्नीशियन है, क्योंकि सेकंड सर्विस में इन्होंने बाइक को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया था और आपने देखा ही होगा कि जितने अच्छे से हैंडल कर रहे थे सारी चीज़ें बता रहे थे, तो काफ़ी एक्सपर्ट यहाँ के टेक्नीशियन है। एक एक चीज़ यहाँ पर अच्छे से वो देखते हैं, एक एक बोर्ड को देखते हैं और यह काम आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही देखने को मिलेगा। देखिए ऐसा काम आपको किसी भी लोकल गैराज में कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं यहाँ पर, और ये सारा स्कैनिंग का प्रोसेस चल रहा है। देखिए इस तरह से टैबलेट में सैमसंग का जो टैबलेट है उसे कनेक्ट करके इसको स्कैन करके इसका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट किया जा रहा है। इस तरह से काफ़ी अच्छा है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसमें टाइम भी लगता है, देखिए ये भी बहुत अच्छी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि जो हमारे जो जितने भी टेक्निकल भाई हैं जो बाइक की रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, तो उनको ये चीज़ बहुत ही ध्यान में रखनी है कि बाइक में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जैसे कि आपको हॉर्न भी नहीं बजाना है ना गाड़ी को ऑन करना है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखिए आपने सेकंड सर्विस में देखा होगा कि सेकंड सर्विस भी राकेश भाई के अंडर में ही हुई थी और काफ़ी अच्छी सेकंड सर्विस हुई थी। जो पिछली बार इसमें डिस्क में प्रॉब्लम आ रही थी वो इस बार देखिए बिल्कुल टूट आउट हो जाएगी। इस तरह से ये जो पैड है इसको अच्छे से अभी खोलेंगे राकेश भाई और उसको अच्छे से क्लीन करेंगे और पता नहीं जो कुछ करना है वो करेंगे, जैसा कि आपको बताया ये टेक्नीशियन है इनको सब पता है, तो उस हिसाब से अभी ये अपने हिसाब से इसको अब ठीक करेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर जो इंस्ट्रूमेंट है वो देखने को मिल जाएंगे जिससे आपकी जो गाड़ी की सर्विस है वो अच्छे से हो जाएगी, और लोकल गैराज में आपको प्रॉपर ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं जिससे उतनी अच्छी सर्विस नहीं हो पाती है गाड़ी की। यहाँ पर देखिए डिस्क ब्रेक को अभी अच्छे से क्लीन करेंगे, नीचे तो होंगे नहीं, लेकिन नई गाड़ी में कम चली है तो डिस्क ब्रेक अभी ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत लग रहे थे तो अभी ये वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। तो आप कमेंट में बताना कि आप सभी कमेंट में बताना कि आपको राकेश भाई का वर्क कैसा लगा। छोटी सर्विस है उसमें भी देखेंगे, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि फिलहाल इनकी जो सेकंड सर्विस में इनका काम वर्क काफ़ी बढ़िया लगा, ठीक है, तो थर्ड सर्विस में भी मैंने राकेश भाई को भी बताया था कि आप ही थर्ड सर्विस भी आप ही करना। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर ये इसकी क्लीनिंग देखिए अच्छे से कर रही है, यहाँ पर तो अच्छे से यहाँ पर फिट कर देना है। यहाँ पर ये कर देंगे, तो
जो भी प्रॉब्लम आपकी बाइक में हो तो सर्विस के दौरान आप बता दीजिए सर्विस सेंटर में ही, तो प्रॉब्लम अच्छे से ठीक हो जाएगी और किसी भी लोकल गैराज में ना दिखाने की कोशिश करें, ठीक है। सर्विस क्योंकि सर्विस सेंटर में ये भी आप दिखाएंगे तो वो अच्छे से देख लेंगे, और यह चीज़ आपकी सर्विस सेंटर वालों की भी नॉलेज में रहेगी इस तरह से, क्योंकि अच्छे से यहाँ पर तो फिट कर रहे हैं। और उसके बाद गाड़ी जब रेडी हो जाएगी तो उसके बाद आगे भाई इसकी टेस्ट ड्राइव भी लेंगे, उसमें सारा पेंटिंग पेंटिंग सब हो जाएगी, तो उसके बाद ये एक टेस्ट ड्राइव भी लेंगे और बताएंगे कि इसका जो फीडबैक है कैसा है, और आप भी आप सभी कमेंट में बताइए कि आपको काम कैसा लगा यहाँ पर, और चैनल को लाइक कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर कोई भी पार्ट को लूज नहीं होना, देखिए हर किसी पार्ट को अच्छे से कसा जा रहा है। यहाँ पर अब अपाचे 164 भी स्पेशल एडिशन की हवा चेक कर जा रही है, कितनी है 25 होती है यार, नहीं 25 होती है आगे देखिए 25 होती है। यहाँ पर इस तरह से आपको चेक कर लेना है गाड़ी का, अब आप आगे 25 होती है और पीछे 25 होती है, ये आगे 25 होती है फ्रंट टायर में और पीछे 25 होती है, लेकिन यहाँ पर प्लीज आ रही कितनी थी 20 थी 25 होती है। आगे देखिए इस तरह से अब आप रेशन भी आपको चेक कर लेना है, इससे आपको अच्छा माइलेज मिलेगा गाड़ी से। यहाँ पर जो भी अच्छे माइलेज के लिए गाड़ी का गाड़ी में जो प्रॉपर हवा होनी चाहिए। देखिए अभिषेक भाई हैं पॉलिशिंग का यहाँ पर काम देखते हैं, यहाँ पर वैसे सर्विसिंग का भी काम देखते हैं, टेक्नीशियन ही है तो अभी सर्विस हो जाने के बाद गाड़ी की पॉलिशिंग कर रहे हैं, और पिछली बार आपने करी थी पॉलिशिंग। लुब्रिकेशन देखिए अच्छे से सभी जगह हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। ऑथराइज सर्विस सेंटर में यही फायदा रहता है कि आपको गाड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर जो जितने भी सारे काम हैं वो अच्छे से हो जाते हैं, और लोकल गैराज में ये सारी सुविधाएं आपको नहीं देखने को मिलेगी। और ऑथराइज सर्विस सेंटर में कराएंगे तो आपकी बाइक की जो लाइफ है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी। हाँ अब देखिए इसकी टेस्ट ड्राइव राकेश भाई लेने जा रहे हैं, इसकी टेस्ट ड्राइव। यहाँ पर राकेश भाई अभी अभी इस बाइक की टेस्ट ड्राइव लेकर आए हैं, तो अब इस बाइक के बारे में बताएंगे कि बाइक कैसी चल रही है, तो बताएंगे बाइक की जो दिक्कत थी वैसा सही हो गई है, जैसे रिक्शे वाली लिखाई थी वो सही हो गई है और गाड़ी इस समय बिल्कुल ठीक चल रही है। अच्छा, और चलिए लेकिन इस सर्विस के दौरान राकेश भाई ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे व्यूअर्स को, और इसके लिए राकेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, और हो सके तो फोर्थ सर्विस भी राकेश भाई से ही हम कराना चाहेंगे। और आप भी अगर आसपास रहते हैं तो आप भी यहाँ निर्मल TBS में यहाँ पर राकेश भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी सर्विस करते हैं, एक्सपर्ट टेक्नीशियन है यहाँ पर।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और राकेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद।